जस्ट मिनट बच्चों, ये बताओ आप लोगों ने पेपर कल सॉल्व क्यों नहीं किया, मतलब कल टेस्ट का एग्जाम ज्यादातर लोगों ने सेंड क्यों नहीं किया मुझे, ये पहले आप बताओ। आप लोगों ने सेंड भी नहीं किया यार कुछ भी मुझे, मार्क्स अच्छे नहीं है क्या ज्यादा, बताओ बताओ, मार्क्स अच्छे ज्यादा नहीं है सोएब, आप बताओ। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आप लोगों ने कल बहुत कम सॉल्व, 2 दिन से मेरे, आप लोगों ने बहुत कम दिया था यार मार्क, बहुत कम लोगों ने ऐसे स्क्रीनशॉट भेजा था मुझे, आओ देखो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, देखो वेट यार, जस्ट मिनट यार, जस्ट मिनट। मैंने पता है रिमाइंडर किसी और ग्रुप में सेंड कर दिया है। यस सर, अब आया हमारा रिमाइंडर। हाँ मैंने किसी और ग्रुप में रिमाइंडर सेंड कर दिया था, अभी देख रहा हूँ कि आप लोग में तो यार कुछ गया ही नहीं। ठीक है ये आप लोग बताओ, आप लोग ये बताओ कि आप लोग वॉइस डबल है। रेजोनेंस के बारे में क्या जानते हो, रेजोनेंस के बारे में आज हम पढ़ेंगे, रेजोनेंस थोड़ा सा किसके बारे में पढ़ेंगे, रेजोनेंस के बारे में, रेजोनेंस क्या जानते हो रेजोनेंस के बारे में, आप लोग कोई बताएगा ओवरऑल आइडिया, जिसके पास थोड़ा बहुत जानकारी हो रेजोनेंस का बताओ। बताओ बताओ, थोड़ा सा माइक तेज करके बताओ, आप बताओ आप क्या जानते हो रेजोनेंस के बारे में। देखो देखो देखो, सीधी बात है, सीधी बात है, अभी तक हमने इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, कौन सा इफेक्ट पढ़ा था, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा था, क्या हो रहा था इसमें, सिग्मा बॉन्ड की शिफ्टिंग हो रही थी, सिग्मा बॉन्ड खींचा जा रहा था, लेकिन ये रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस रेजोनेंस इसमें क्या होता है, डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, क्या होता है डी लोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, यानी कि जो पाई बॉन्ड है ना इधर से उधर क्या होता है, घूमता रहता है, कोई प्रॉब्लम किसी को बता दो यार, इसमें क्या होता है, जो पाई बॉन्ड है इधर से उधर घूमता रहता है। अब देखो होता क्या है, होता क्या है, सिंपल सी बात है, ये डीलोकलाइजेशन कैसे होता है, जैसे हमारे पास क्या है, हमारे पास एक डबल, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड है कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है कार्बन है, फिर क्या है, डबल बॉन्ड है कार्बन है, बाकी जितनी वैलेंसी बची कार्बन की हम किससे कंप्लीट करेंगे, हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से। सिंपल सी बात देखो, हमारे पास ये पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड जाएगा यहां पे शिफ्ट हो जाएगा, अब यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो इस वाले पाई बॉन्ड को क्या करेगा, धक्का दे देगा, ये वाला पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है, जब देखो जब ये वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा तो जाहिर सी बात है इसके पास दो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो शेयरिंग वाले इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो जब इसका भी इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा तो इस पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 1 2 3 4, पहले वाले पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा बोलो, और दूसरा तो हमारा वैसे ही रहेगा, पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो गया, इस पे शिफ्ट हो गया, और फिर ये कार्बन होगा, आप बताओ ये वाला पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो रहा है, इस कार्बन पे, इस कार्बन पे क्या जाएगा, नेगेटिव। नहीं क्लियर है आप लोग को, और भी इजी तरीके से बताता हूँ, ध्यान दो, जैसे मानो यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन है, मैं ऐसे बना ले रहा हूँ 1 2 3 4 बना ले रहा हूँ, 1 2 3 4, अब देखो पहले और दूसरे के बीच पाई बॉन्ड है, जाहिर सी बात है पाई बॉन्ड टूट रहा है तो इसके पे आ रहा है, इसके पे नेगेटिव आ जाएगा और इस वाले पे पॉजिटिव आ जाएगा बोलो, यही होगा ना, और फिर तीसरे और चौथे के बीच पाई बॉन्ड टूट रहा है तो वो पाई इलेक्ट्रॉन किस पे जा रहा है, चौथे नंबर कार्बन पे, तो इस पे क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव,
और फिर क्या किए, पॉजिटिव और नेगेटिव मिलके एक बॉन्ड बना लिए, तो और बाकी पॉजिटिव पहले नंबर पर आ गया, नेगेटिव चौथे नंबर पर आ गया, देखो पॉजिटिव इस पे रह गया और नेगेटिव किस पे हो गया, चौथे नंबर पे, कोई प्रॉब्लम क्या? नो सर। देखो आप बताओ पाई बॉन्ड पहले कहाँ पे था, पहले वाले पोजीशन पे था, अब शिफ्ट होकर यहाँ पे आ गया क्या, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पाई बॉन्ड का डी लोकेलाइजेशन, पहले इस लोकेशन पे था अब दूसरे लोकेशन पे हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, डी लोकेलाइजेशन, समझ रहे हो आप लोग? यस सर। और भी देखो, और भी मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मानो हमारे पास कार्बन है डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है कार्बन है सिंगल बॉन्ड है डबल बॉन्ड है कार्बन है, कुछ ऐसे है, हमेशा कंडीशन क्या याद रखना है आपको, डबल बॉन्ड तो होना ही चाहिए और उसके बाद एक सिंगल बॉन्ड होना चाहिए, ये नहीं कि सिंगल डबल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, ऐसा नहीं, बीच में हमेशा क्या एक सिंगल बॉन्ड का गैप होना चाहिए, ये आप लोग याद रखना, ये कंजुगेशन है, कंजुगेशन होना चाहिए। अब देखो ये वाला पाई बॉन्ड कहाँ शिफ्ट होगा, जैसे मानो मैं जस्ट देखो, मानो ये वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा, और जब इस पे शिफ्ट होगा तो ये वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा, बोलो कोई प्रॉब्लम, और इस वाले पाई बॉन्ड को कहीं शिफ्ट होने की जगह नहीं है, तो हम किस पे शिफ्ट कर देंगे, इस पे शिफ्ट करेंगे। अब देखो ध्यान से आप, रुक जाओ अभी अभी मैं आप लोग को बताता हूँ जिन्होंने भी हैंड रेज किया। अब देखो इसका जो शेयरिंग वाला इलेक्ट्रॉन है, मैं नंबरिंग कर दे रहा हूँ 1, 2, 3, 4, 5 और 6 नंबरिंग कर दे रहा हूँ, और जब ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन है दोनों, तो जब इस पे शिफ्ट हो रहा है तो जाहिर सी बात है पहले नंबर पर कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव, और फिर हम कार्बन बना ले रहे हैं, ऐसे कार्बन बनाते जा रहे हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 मैंने बना लिया। अब ध्यान दो आप लोग, ध्यान देना आप लोग, अब ये जो ये पाई बॉन्ड है किस पे शिफ्ट होगा, दूसरे तीसरे के बीच शिफ्ट हो गया ये वाला पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो गया, चौथे और पांचवें के बीच, और छठे कार्बन पे क्या गया, माइनस चार्ज। हाँ जी बताओ अब जिसको प्रॉब्लम है, क्या आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं आ रही, आप लोग बोलो या चैट बॉक्स में बोलो जिसको भी प्रॉब्लम आ रही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, डीलोकेलाइजेशन मीन्स चेंज इन लोकेशन, अपना लोकेशन, अगर मैं आपको बोलूं कि आप डीलोकेलाइजेशन हो जाओ, इसका मतलब आप दिल्ली से कहाँ आ जा रहे हो, नोएडा में आ जा रहे हो। हाँ बिल्कुल, और भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकता है यार, पूछ सकता है, क्योंकि मैं कमेंट बॉक्स ज्यादा देख नहीं रहा हूँ। सर नेगेटिव पॉजिटिव साइन कैसे लगाना है, देखो देखो सिंपल सी बात, देखो हमारे पास अगर बॉन्ड टूटते हैं तो क्या होता है, किसी एक पे नेगेटिव आती है और किसी एक पे पॉजिटिव आता है, बोलो यही होता है ना। ध्यान दो, मानो ये शेयरिंग वाला बॉन्ड टूट रहा है, इलेक्ट्रॉन ले कौन रहा है, ये वाला कार्बन ले रहा है, तो जाहिर सी बात है जो कार्बन लेगा उस पे नेगेटिव आएगा और जिसका शेयरिंग वाला होगा उस पे क्या जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, यही होता है ना, बता दो फिर से। एक कार्बन है, मानो ये इसका इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इसका मतलब इस पे पॉजिटिव आ गया और इस पे नेगेटिव आ गया। अब ध्यान दो, हमेशा प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बना लेते हैं, जैसे मानो बॉन्ड बना लेते हैं, इसका नेगेटिव है इसका पॉजिटिव, दोनों मिलके क्या कर लिए, एक बॉन्ड बना लिए, और जब बॉन्ड बना लेंगे तो ये प्लस माइनस हट जाएगा, तो प्लस माइनस हट जाएगा, और जब हट जाएगा तो हमारे पास यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिख रहा है क्या, ये कैसे है, और भी जल्दी से इसको करना है तो कैसे करेंगे, हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है, सिंगल बॉन्ड सी है, डबल बॉन्ड सी है, हम ये जल्दी से करने के चक्कर में हम मान के चलते कि ये वाला पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो रहा है, इस पे शिफ्ट हो रहा है, और ये वाला पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट हो रहा है, इस वाले पे शिफ्ट हो रहा है, तो जाहिर सी बात इस पे प्लस आ जाएगा और इस पे माइनस आ जाएगा, और ये पाई बॉन्ड इस पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। कंफर्म सबको एक बार, तो चैट बॉक्स में बताओ सभी को, यहाँ कंफर्म हो गया, कंफर्म है तो चैट बॉक्स में एक बार बताओ आप लोग, बताओ आप लोग चैट बॉक्स में, अब देखो अब ध्यान देना, ये पाई बॉन्ड हमेशा क्या होना चाहिए, कंजुगेशन में होना चाहिए, आप बताओ इसमें रेजोनेंस हो पाएगा क्या, रेजोनेंस इसमें हो पाएगा क्या? नो सर। हाँ बता देता हूँ सैली, बता देता हूँ उसको भी, इसमें रेजोनेंस नहीं हो पाएगा क्योंकि इसके पास कंजुगेशन ही नहीं है, अगर ये यहां से जाएगा तो अगला वाला भी कहीं शिफ्ट होना चाहिए, कहीं शिफ्टिंग का कुछ जगह ही नहीं है,
तो देखो इसको तो हटा दो, ये रेजोनेंस नहीं हो पाएगा, सिंपल सी बात है। इसमें पाई बॉन्ड है, हम लोग बोलेंगे पाई पाई कंजुगेशन। क्या बोलेंगे बोलो यार? पाई पाई कंजुगेशन। कॉन्जुगेशन। अब जो कंजुगेशन हो रहा है ना, वो पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड के बीच बोला है। अब पाई एंड सिग्मा में डिफरेंस, डिफरेंस होता है यार, डिफरेंस होता है, वो बाद में बताऊंगा, वो केमिकल बॉन्डिंग में बताऊंगा, केमिकल बॉन्डिंग तो वैसे जब रिवीजन कराऊंगा। तो अब देखो क्या सीन है, देखना आप लोग, जो पाई बॉन्ड होते हैं ना, आप बताओ अगर मैं कार्बन का ही ले लूं एग्जाम्पल, जैसे मानो नाइट्रोजन का ले लेता हूं, तो नाइट्रोजन तीन बॉन्ड बनाते हैं, तो आप बताओ एक सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं? बाय दो पाई होते हैं, दो पाई बाय बॉन्ड। बॉन्ड। अब देखो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखो तो सेवन होता है, 1s2, 2s2 और 2p3। इसका मतलब इसके p ऑर्बिटल में कितने डब्बे बनेंगे? तीन बनेंगे। अगर मैं दूसरे भी नाइट्रोजन का ले लूं, तो दूसरा भी नाइट्रोजन 3p3 होगा, इसके भी तीन डब्बे बनेंगे। ध्यान देना तीनों में तीन इलेक्ट्रॉन है। आप बताओ पहला इलेक्ट्रॉन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, बाकी दोनों क्या बनाएंगे? पहला वाला सिग्मा बनाएंगे, बाकी दोनों क्या बनाएंगे? पाई पाई। तो ध्यान दो आप ये कि ये हमेशा जो पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाई इलेक्ट्रॉन ये कौन से ऑर्बिटल में होते हैं? पी ऑर्बिटल में। थर्ड पी ऑर्बिटल में होते हैं। किस ऑर्बिटल में होते हैं? पी पी ऑर्बिटल में होते ऑर्बिटल। हैं। तो हमेशा वही इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन में जाएगा जो किस ऑर्बिटल में होगा? पी ऑर्बिटल में, या फिर पी ऑर्बिटल खाली होना चाहिए या फिर भरा होना चाहिए, लेकिन पी ऑर्बिटल ही हमें चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। बोलो कंफ्यूजन किसी को? सर ठीक, हाँ जी बताओ। हमेशा पी ऑर्बिटल ही खाली होना चाहिए, जो लोकलाइजेशन या फिर डीलोकलाइजेशन होगा ना, वो केवल पी ऑर्बिटल ही इन्वॉल्व चाहिए उसमें। आगे देखो आगे, ये तो हमने पाई पाई कंजुगेशन देख लिया, क्योंकि यहाँ पे पाई है और यहाँ पे भी पाई है, दोनों क्या है? सर ये क्वेश्चन बता दो, बता दूंगा यार, अभी तो पहले रेजोनेंस समझ लो, अभी और भी आगे आएंगे, बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दो ऐसे है। अब देखो अब आता है पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज या फिर वैकेंट वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन, वैकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है? हाँ जी मोनू, लेट कर दिया आप। देखो हमने क्या लिखा इस बार, पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज। अब ध्यान देना आप लोग, हमारे पास क्या है, एक पाई बॉन्ड ले लेते हैं, पाई बॉन्ड ले लेते हैं CH2, और एक पॉजिटिव चार्ज ले लेते हैं CH3+ ले लेते हैं, CH2+ लेते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? ये लिखा तो बताओ, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो इसमें कैसे कंजुगेशन होता है, इलेक्ट्रॉन किसके पास है? इस पाई बॉन्ड के पास पाई इलेक्ट्रॉन है क्या? बिल्कुल है, और ये तो भाई इलेक्ट्रॉन का भूखा है, तो अभी क्या करता है कि ये पाई इलेक्ट्रॉन इस पे शिफ्ट हो जाता है, इस पे। तो ध्यान दो किस पे शिफ्ट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस पे शिफ्ट हो जाएगा, या फिर छोड़ो समझो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है ना, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। अब जाहिर सी बात है, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट होगा तो CH2 यहाँ पे प्लस हो जाएगा, पाई बॉन्ड तो टूट गया, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2 यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे क्या होगा, CH2 प्लस हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों CH2 नहीं होगा, आप लोग वैलेंसी का थोड़ा ध्यान देना, वैलेंसी का ओनली CH होगा। CH देखो अब हो क्या रहा है, अब प्लस माइनस मिलके फिर से बॉन्ड बना लेंगे, तो क्या हो जाएगा, CH2 C डबल बॉन्ड CH2। कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो कैसे हो रहा है, हमारे पास CH2 है डबल बॉन्ड, CH है सिंगल बॉन्ड, CH2+ है। अब ये वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया, तो क्या हो जाएगा, इस पे प्लस आ जाता है, कैसे हो जाता है, CH2+ हो जाता है, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाता है, और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, CH2 हो जाता है। बताओ एक बार ये क्लियर है सबको? यस सर। नहीं क्लियर है तो बताओ सबको, ये बताओ आप लोग ने स्कूल में पढ़ा है क्या इसको कभी? तो सर। ये यस समझ आ गया आप लोग को सर। रेजोनेंस? और भी देखो, और भी जैसे हम कुछ ऐसे ही बना सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2,
सिंगल बॉन्ड सी एच टू, सी एच कर लो यार इसको, यहां पे भी सी एच कर लो, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच प्लस, कुछ ऐसे है। अब देखो इसमें डीलोकलाइजेशन कैसे होगा, डीलोकलाइजेशन जहां से इलेक्ट्रॉन है हम वहीं से करेंगे डीलोकलाइजेशन, ध्यान देना, ये वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो जाएगा। ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज अब किस पे आएगा, मैं नंबरिंग कर रहा हूं, एक दो तीन चार पांच, आप बताओ पॉजिटिव चार्ज किस पे आएगा, एंड वाले पे, क्या वन वाले पे आएगा यार, वन वाले पे, अब तो डायरेक्टली पाई बॉन्ड तो सब शिफ्ट हो गए, यही बचा लास्ट में, ये इसी का इलेक्ट्रॉन जा रहा है, जब इसी का जाएगा तो क्या होगा, इसी पे पॉजिटिव चार्ज आएंगे, ये सिंगल बॉन्ड हो गया और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और फिर ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं ना, तो आप लोग बस समझ जाना और वैलेंसी तो अपने हिसाब से कंप्लीट कर लेना, कभी कभी गलतियां हो जाती हैं, जिस जो भी जहां भी वैलेंसी बचेगा आपको किससे कंप्लीट करना है, हाइड्रोजन से। कोई प्रॉब्लम किसी को हो तो बताओ एक बार, चैट बॉक्स में लिखो मेरे से, चैट बॉक्स में लिखो, देखते हैं किसको दिक्कत हो रही है। क्लियर है सबको? रेजोनेंस समझ आ गया आप लोगों को? रेजोनेंस समझ आ गया? बिल्कुल बिल्कुल। आओ देखते हैं, ये तो हो गया पाई बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज कंजुगेशन, अब आता है पाई बॉन्ड एंड नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन, ध्यान दो, हमारे पास मानो कुछ ऐसे हो, सी डबल बॉन्ड सी और सिंगल बॉन्ड सी माइनस, बाकी हाइड्रोजन को छोड़ो, हाइड्रोजन आप समझ जाना। अब बताओ डीलोकलाइजेशन कहां से होगा, वन टू थ्री कहां से होगा डीलोकलाइजेशन, अब होगा जहां से इलेक्ट्रॉन है वहां से होगा, ठीक है क्या बोलो? तो यहाँ पे सी माइनस हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, बताओ इसमें, इसमें किसी को कोई दिक्कत आ रही हो तो बताओ? नो सर, बाकी लोग क्लियर करो, सबको पता चल रहा है? देखो इलेक्ट्रॉन वहां से जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी इसके पास पहले प्लस था तो इलेक्ट्रॉन इधर से आता था, लेकिन अब इसके पास माइनस है तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहां से जाएगा, कंफ्यूजन? नो सर, आप समझना, आप कैसे कैसे आया माइनस चार्ज, हम मान के चल रहे हैं ना यहाँ पे माइनस चार्ज है, कैसे रेजोनेंस होगा मैं बता रहा हूँ अभी आप लोगों को, कैसे रेजोनेंस होगा, जैसे देखो रेजोनेंस कैसे हो रहा है, यहाँ पे सी एच टू है, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी माइनस है, कुछ ऐसे है। अब देखो इसमें कैसे होगा, ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा माइनस चार्ज, ये वाला इस पे शिफ्ट होगा और ये वाला क्या होगा, एक मिनट, ये वाला बॉन्ड इस पे शिफ्ट होगा और ये वाला चार्ज किस पे शिफ्ट होगा, इस पे शिफ्ट होगा, तो ऑलरेडी चार्ज किस पे आ जाएगा बोलो यार, डबल बॉन्ड सी एच, सिंगल बॉन्ड सी एच, देखो ध्यान देना कि ये दो बॉन्ड है तो जाहिर सी बात एक बॉन्ड तोड़ने के ही बोल रहा है, तो एक बॉन्ड टूट जाएगा, आप लोग ये समझना कहां पे सिंगल बॉन्ड आएगा कहां पे डबल बॉन्ड आएगा, तो ये आप लोग को समझना पड़ेगा, और जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं समझ पाओगे लोग, तो थोड़ा बहुत आप लोग के लिए प्रैक्टिस भी जरूरी है। और भी कोई प्रॉब्लम? किस नहीं प्रॉब्लम, नहीं प्रॉब्लम। अब ध्यान दो, ये तो हो गया नेगेटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन, एक आता है लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड कंजुगेशन, देखो कैसे होता है ये, ध्यान देना आप, ध्यान देना, मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, कोई ऐसे कंपाउंड, यहाँ पे पाई बॉन्ड दिख रहा है क्या, ये पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है, दिख रहा है, और यहाँ पे लोन पेयर, अब लोन पेयर क्या करेगा, इस पे आएगा और पाई बॉन्ड क्या करेगा, ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा, दिख रहा है कि आप लोग को कैसे शिफ्ट हो रहा है, देखो हमारे पास ये सी हो जाएगा, यहाँ पे ऑक्सीजन हो जाएगा, पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट करेगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे डबल बॉन्ड अब हो जाएगा नाइट्रोजन एच टू, ध्यान देना जब कोई अपना लोन पेयर देता है ना तो लोन पेयर वो खुद का होता है, और जब खुद का देगा तो इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, वही अगर कोई माइनस चार्ज होता है ना तो माइनस चार्ज खुद का नहीं होता, माइनस चार्ज कैसे बनता है यार, एक शेयरिंग वाले बॉन्ड को एक तो अपना भी इलेक्ट्रॉन लेता है और दूसरे का भी इलेक्ट्रॉन खींच के बनता है,
इसलिए माइनस चार्ज अगर हम किसी को देंगे तो वहां पे पॉजिटिव नहीं बनेगा, लेकिन जब किसी को लोन पेयर देंगे तो वहां पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे नाइट्रोजन को पता है आप लोग को, नाइट्रोजन हमेशा कितने बॉन्ड बनाता है, तीन बॉन्ड बनाएगा, चौथा बॉन्ड बनाएगा तो उसके पे क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी उसके पास, एक तो इलेक्ट्रॉन है नहीं चौथा बॉन्ड बनाने के लिए, इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी और क्या बना लेगा, पॉजिटिव चार्ज बना लेगा। कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। देखो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, और भी देखो बताता हूँ, जैसे मानो हमारे पास कुछ ऐसे है, सी डबल बॉन्ड सी, यहाँ पे एच है, यहाँ पे ओ एच है, यहाँ पे क्या है एच है, और यहाँ पे एच है। इसका देखो कैसे होता है, यहाँ पे देखो यहाँ पे लोन पेयर है, तो ये लोन पेयर इस पे शिफ्ट होगा और ये पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट होगा, इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि केवल इसी को शिफ्ट करा दो और उसको शिफ्ट ही ना कराओ, जब केवल इसी को शिफ्ट कराओगे तो यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, कार्बन पांच बॉन्ड नहीं बनाता है, इतना मान के चलना। तो हमें डीलोकलाइजेशन कराना, यानी कि जब इसको भगा रहे हैं तो हमें किसको भी भगाना पड़ेगा, पाई बॉन्ड को भी भगाना पड़ेगा, दौड़ाना पड़ेगा। समझ रहे हो आप लोग, यहाँ पे कार्बन पे माइनस आ जाएगा सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे एच आ जाएगा, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे तो एच है ही, और यहाँ पे भी एच है ऑलरेडी, यहाँ पे भी एच है। बताओ समझने में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, क्लियर है सबको? एक बार रिपीट करना, चलो आगे आएगा फिर से इसको रिपीट करेंगे, आगे आएगा। देखो रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट, पाई पाई कंजुगेशन, पाई पाई कंजुगेशन। देखो हमारे पास ये पाई बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, देखो पाई बॉन्ड इस पे शिफ्ट हुआ और ये वाला पाई बॉन्ड किस पे शिफ्ट हुआ, इस पे शिफ्ट हुआ, जाहिर सी बात है उस पे शिफ्ट होगा तो क्या आएगा, इस पे माइनस आ जाएगा। और जाहिर सी बात है इसका पाई बॉन्ड टूटा है, इसका पाई बॉन्ड टूटा है, इसके पे प्लस चार्ज तो आना बनता ही है, बोलो प्रॉब्लम? नो सर। अब देखो या फिर ये इधर से जा सकता है या फिर इधर से भी जा सकता है, पाई बॉन्ड में ज्यादा बाउंडेशन नहीं होता है, किधर से भी जा सकता है। देखो ऐसे जाएगा तो उल्टा हो जाएगा। आगे देखते हैं, आगे हमारे पास है पाई बॉन्ड वेकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन, वेकेंट ऑर्बिटल कंजुगेशन पाई बॉन्ड। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है कहाँ, यही पाई इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, ये तो इलेक्ट्रॉन का भिखारी है, अभी अपना शिफ्ट यहाँ पे करेगा, और जब यहाँ पे करेगा तो इसके पास पॉजिटिव आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड बन जाएगा, बोलो। यस सर। देखो कुछ ऐसे हो जाएगा ये, वही अगर पाई बॉन्ड और नेगेटिव चार्ज करेंगे तब तक नेगेटिव चार्ज इसके पास है, अभी इलेक्ट्रॉन कहां से दौड़ेगा, यहाँ पे दौड़ेगा और इसको क्या करेगा, भगाएगा, भगाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे अब डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बोलो। कंफ्यूजन किसी को? कोई कंफ्यूजन नहीं। प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं मजा आएगा। ये देखो ये तो मैंने बताया ही, ये क्या है, ये लोन पेयर है, और लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर इस पे जाएगा तो ये वाला बॉन्ड खुल के इस पे आएगा, तो इस पे आएगा तो इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन पे प्लस आ जाएगा कि अपना ये लोन पेयर दिया हुआ, और इस पे क्या चार्ज आ जाएगा, ऑक्सीजन प्लस आ जाएगा। पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कंजुगेशन, ध्यान दो पाई बॉन्ड फ्री रेडिकल कैसे होता है, जैसे मानो हमारे पास सी डबल बॉन्ड सी है और ये रेडिकल है, इसका कंजुगेशन कैसे होगा, सीधी सी बात है अल्टरनेट होना चाहिए, सी सिंगल बॉन्ड सी कर लेंगे, मानो ये वाला बॉन्ड टूट गया इसके साथ, ये वाला इसके साथ टूट गया, इस पे भी रेडिकल बन जाएगा, इस पे भी रेडिकल, और इसके पास रेडी रेडिकल है, और रेडिकल रेडिकल मिलके क्या कर लेंगे, बॉन्ड बना लेंगे, बोलो। यस सर। और बस ये वाला रेडिकल बस बच जाएगा, या फिर और भी बड़ा ले लेते हैं, सी सिंगल सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड रेडिकल। अब देखो क्या होता है, देखो क्या होता है, इस पे ये अपना टूटेगा, ये अपना टूटेगा, ये अपना टूटेगा, ये अपना टूटेगा, तो जाहिर सी बात है बॉन्ड चेंज हो जाएंगे यार, चेंज हो जाएंगे, तो सब यहाँ पे एक रेडिकल आ जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये समझ आ रहा है आपको, क्लियर हो रहा है? Yes, sir. जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं मजा आएगा, ये तो रियलिटी है, जब तक आप लोग प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो बस उल्टा हो रहा है ना सारा, क्या रेडिकल तो हट नहीं रहा, तो बस उल्टे हो रहे हैं। अरे हमें क्या करना, हमें पोजीशन चेंज हो रही है, हमें डीलोकलाइजेशन का क्या मतलब होता है, पोजीशन चेंज हो रही है, बिल्कुल यार यही है, लेकिन पोजीशन कैसे बदलेगा ये प्रोसेस मैं आप लोग को बता रहा हूँ, समझ रहे हो? ओके सर, बिल्कुल बिल्कुल। हेलो आकृति, देखो ये बताओ इसमें कंजुगेशन पॉसिबल है क्या, रेजोनेंस पॉसिबल है, ये बताओ आप लोग। कैसे सर,
पाई बॉन्ड शिफ्ट हो सकता है इसमें। सभी कोई कंफर्म है? यस सर, बिल्कुल हो सकता है यार, क्योंकि यहाँ पे भी पाई बॉन्ड है और यहाँ पे तो दो पाई बॉन्ड है, दो पाई बॉन्ड है, बीच में क्या है कंजुगेशन के लिए भी जगह दिया हुआ है। कोई प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम? नो सर। ये बताओ इसमें रेजोनेंस हो सकता है? नो सर, नो सर, नो सर। नहीं हो सकता, क्योंकि कंजुगेशन ही कहाँ करेगा यार, यहाँ पे तो शिफ्ट हो जाएगा लेकिन ये वाला कहाँ शिफ्ट होगा, बीच में दो दो का गैप दे दिया है, कंजुगेशन हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। नो सर, ये बताओ ये रेजोनेंस शो करेगा? ये रेजोनेंस शो करेगा? रेजोनेंस शो करेगा? बिल्कुल करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक तो पाई बॉन्ड है और दूसरा क्या है लोन पेयर है, लोन पेयर इस पे जाएगा तो पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा इस पे शिफ्ट हो जाएगा। देखो कुछ ऐसे बना लेगा, एन प्लस हो जाएगा, एच टू हो जाएगा, यहाँ पे ओ माइनस हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? नो सर, नो सर। ये बताओ ये रेजोनेंस शो करेगा? नो सर, नहीं करेगा। नो सर, नहीं करेगा, कंजुगेशन के लिए जगह जगह नहीं है, ये तो मैंने बता ही दिया। ये करेगा ना, ये मैंने बता दिया ना, ये वाला। यस सर। अरे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इस पे आएगा, ये इस पे शिफ्ट हो जाएगा, इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा, यही बताया था ना मैंने, यही बताया था ना मैंने। यस सर। यार मेरी आवाज रिपीट क्यों हो रही है, समझ नहीं आ रहा मुझे, आप लोग को भी हो रहा है क्या ऐसा? यस सर, यस सर। कभी कभी हो रहा है। देखो ये पूछा जा रहा है कि CO32 माइनस रेजोनेंस शो करेगा? नो, यस सर करेगा। इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, इसको हम लोग कार्बोनेट आयन भी बोलते हैं, बताओ शो करेगा? बताओ, बिल्कुल करेगा यार, माइनस चार्ज बॉन्ड लोकलाइजेशन है, देखो ये इस पे आएगा, ये इस पे आ जाएगा, तो कैसे फोटो बन जाएगा इसका? कुछ फोटो बन जाएगा इसका कुछ ओ माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड रिपीट हो रही है। जरा आप लोग अपना माइक, माइक खुला हुआ है इसलिए रिपीट हो रही है वो। क्या किसी का माइक खुला हुआ है सर, इसलिए रिपीट हो रही है आवाज। आप लोग तुरंत अपना माइक बंद कर दिया करो, ठीक है, जैसे ही बोल के तुरंत माइक बंद कर दिया करो, समझ रहे हो मेरी बातों को? मेरी बातों को। ये है सानिया, हमारा नहीं खुला, हम बंद कर देते हैं। ठीक है ठीक है, तुरंत आप लोग अपना माइक बंद कर देना, ध्यान दो। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इधर शिफ्ट करेगा, जब इधर शिफ्ट करेगा तो ये पाई बॉन्ड ओपन होगा, कुछ ऐसे फोटो बन जाएगा इसका, ऐसे फोटो बन जाएगा। अब देखो अब क्या है, अब ये वाला इलेक्ट्रॉन भी इधर शिफ्ट होगा, ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, अब फोटो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा, ओ माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ पे ओ माइनस हो जाएगा। दिख रहा है क्या, ये कैसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया इसका? यस सर। अब देखो इसके तीन स्ट्रक्चर हैं, और तीन स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? तीन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तीन है इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो होता क्या है इसमें, तीन होने का क्या मतलब है, मैं सिंपल सा एक बात आप लोग को बताता हूँ। हमारे पास एक बेंजीन है, बेंजीन के दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, याद रखना। इसमें भी क्या करता है, पाई बॉन्ड घूमता है, घूमता है। मैं नंबरिंग एक तीन चार पांच छ, तो ऐसे कुछ बना लूं तो कुछ ऐसे हो जाएगा, एक दो तीन चार पांच छ। पहले क्या था, पहले पहले और दूसरे नंबर के बीच में डबल बॉन्ड था, अब पहले और दूसरे नंबर के बीच क्या है, सिंगल बॉन्ड है। ये पाई बॉन्ड का पहले यहाँ पे हुआ करता था, अब यहाँ पे घूम रहा है, तो हम इन दोनों का क्या करते हैं, एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना लेते हैं जो दोनों के काम आता है। हम दोनों स्ट्रक्चर नहीं याद करेंगे, एक सिंपल सा स्ट्रक्चर याद करेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखो इसमें जो पाई बॉन्ड है मैंने गोले के राउंड में कर दिया, इसका मतलब क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड घूम रहा है, पाई बॉन्ड घूम रहा है, समझ रहे हो आप लोग? बिल्कुल। देखो हमारे इसका एग्जिस्टेंस तो डेढ़ डेढ़ बॉन्ड का है ना, क्या इसका जो एग्जिस्टेंस है वो पॉइंटेड हाफ बॉन्ड का है ना? क्या चीज का एग्जिस्टेंस बोल रहे हो आप? बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर सर। हाँ हाँ बिल्कुल, देखो ये पिछला वाला स्ट्रक्चर कुछ ऐसे था, ध्यान देना। इसमें बताओ पाई बॉन्ड कभी एक एक टाइम में इसके पास था,
दूसरे टाइम में इसके पास था, तीसरे टाइम में इसके पास था, तीनों लोग के पास पाई बॉन्ड गया था क्या, एक एक बार गया था? Yes, sir. इसका जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे कुछ इस प्रकार बनाएंगे, सबका सिंगल बॉन्ड हम दिखा देंगे और जो दूसरा पाई बॉन्ड है ना उसको डॉट डॉट से दिखा देंगे, इसका मतलब पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, सबके पास घूम रहा है। तो पाई बॉन्ड का डीलोकलाइजेशन हो रहा है क्या, ये बताओ? यस सर, बिल्कुल हो रहा है यार, बिल्कुल हो रहा है। सैली आपने क्या पूछा था स्टार्टिंग में, आपने ओ थ्री माइनस का पूछा था, इसका फोटो कैसे होता है ध्यान दो, आपको कुछ ऐसे होता है क्या ये बताओ, पहले आप स्ट्रक्चर सही बनाए हो क्या? ये ओ थ्री माइनस नहीं होगा, डायरेक्टली ओ थ्री होता है, ओ थ्री होता है और इसका फोटो कुछ ऐसे होता है, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड ओ से जुड़ा होता है ऐसे। आप बताओ, मैंने आप लोग को स्टार्टिंग में फॉर्मल चार्ज निकालना बताया था, पता नहीं आपको तो याद होगा कि नहीं होगा, तो फॉर्मल चार्ज से इसको सॉल्व कर लेंगे। फॉर्मल ऐसे ही होता है यार, ऐसे ही होता है, एक बार डबल बॉन्ड इसके पास होता है और एक बार इसके पास कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई प्रॉब्लम किसी को बताओ, अगर कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो? इसके दो स्ट्रक्चर, क्या इसके दो स्ट्रक्चर बनेंगे ना? बिल्कुल बना सकते हो यार, एक बार डबल बॉन्ड इसके साथ कर दो और एरो इस बार इसके साथ मार दो, हो गया क्या दो स्ट्रक्चर? आप बताओ। यस सर, हो गए, हो गए। इसके आप लोग कर लेना, ये देखो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग से एग्जाम में हमेशा पूछता है, इसका नाम क्या है? फिनॉक्साइड आयन। क्या नाम है? फिनॉक्साइड आयन। ये कितने लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी, हैंड रेज कर दो जरा, कितने लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है इसको स्कूल में या फिर कहीं भी? इसका बनवाया जाता है तानिया, बनवाया जाता है इसका, इसका स्ट्रक्चर बनाओ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ, तो काफी लाजवाब है यार, काफी लाजवाब। देखना है माइनस चार्ज भी जुड़ा हुआ है और ये किससे जुड़ा हुआ है? फेनिल से जुड़ा हुआ है, इसका फोटो कुछ इस प्रकार है, ध्यान देना आप लोग। कैसे बनाया था वो? कुछ ऐसे बनाया था इसने, मैं और भी बड़ा बनाता हूँ ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। मैं और भी ऑर्थो और माइनस या प्लस चार्ज, बाकी मेटा पे नहीं आता। देखो मैं और भी बड़ा बनाता हूँ इस पे, यही है ना फिनॉक्साइड आयन, ध्यान दो, ध्यान देना आप लोग। ये बताओ ये क्या करेगा, ये चार्ज जो है इस पे आएगा पाई बॉन्ड, जब इस पे आएगा ये वाला पाई बॉन्ड इस पे आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, बोलो। यस सर, बिल्कुल शिफ्ट होगा। तो ध्यान दो, कुछ ऐसे फोटो बनेगा, कुछ ऐसे इसका फोटो बन जाएगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूटेगा, तो जाहिर सी बात है माइनस इस पे आ जाएगा और ये वाला ऑलरेडी पहले से पहले जैसे ही रहेगा। अब ध्यान दो, अब ये वाला भी तो माइनस चार्ज और पाई बॉन्ड कंजुगेशन आ जाएगा ना, ध्यान दो इसका पाई बॉन्ड किस पे आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। देखो कैसे बनेगा ये आप लोग जल्दी से कॉपी पेन पर बनाओ और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो अपने नाम के साथ, अपने नाम के साथ मुझे सेंड करो। तो देखो ये माइनस चार्ज इस पे आ गया तो इस पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और इस पे माइनस चार्ज आ जाएगा। देखो ये माइनस चार्ज है और जब ये प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा तो इस पे माइनस चार्ज हमारा आ जाएगा और इस पे प्लस आ जाएगा, प्लस माइनस मिलके एक बॉन्ड बना लेंगे और ये हमारे पास बॉन्ड ऐसे है ही। अब ये माइनस चार्ज क्या आएगा, इस पे आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड क्या आ जाएगा, माइनस इस पे आ जाएगा। तो ध्यान दो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बन जाएगा क्या? ये तो है ही हमारे पास, ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया, फिर से माइनस चार्ज इस पे आएगा और ये पाई बॉन्ड इसका खुल जाएगा। देखो कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा क्या? सर एक बार दोबारा बता दो। बता दे रहा हूँ कुछ ऐसे बनेगा क्या, ये बताओ आप लोग। सबसे पहले क्या, किसको अपने कॉपी में बना के मुझे व्हाट्सएप करो, आप लोग जल्दी से व्हाट्सएप करो कॉपी में बना के अपने नाम के साथ, इसी बहाने मैं आप लोग का नंबर भी सेव कर लूंगा, अपने नाम के साथ करना। ध्यान दो इसको मैं फिर से बता रहा हूँ, एक बार फिर से बता रहा हूँ, हमारे पास क्या है, कुछ ऐसे फिनॉक्साइड आयन है, आप लोग जल्दी जल्दी कॉपी में बनाओ मेरे साथ, ऐसे फिनॉक्साइड आयन है, ऐसे फिनॉक्साइड आयन है। अब ये फिनॉक्साइड आयन ये माइनस चार्ज है, बगल में कंजुगेशन में क्या है, पाई बॉन्ड है, तो ये यहाँ पे ये डबल बॉन्ड बनाने के लिए यहाँ पे आया था, पाई बॉन्ड इधर आ जाएगा, ये इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, जब इस वाले कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा तो कुछ ऐसे बन जाएगा ये। देखो कैसे बन जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड हो जाएगा और यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा और यहाँ पे है ही
कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखो ये माइनस चार्ज क्या करेगा, ये माइनस चार्ज इस पे शिफ्ट होगा और ये वाला क्या होगा, इस पे शिफ्ट होगा। बोलो, जब इस पे शिफ्ट होगा तो क्या होगा, कुछ ऐसे हो जाएगा क्या? सर हमने बना लिया, एक बार देखना। क्या सर? हमने सेंड कर दिया, एक बार देखना। मैं देख लूंगा, क्लास खत्म होगा तो। यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा। अब ये माइनस चार्ज इस पे शिफ्ट होगा और ये इस पे आ जाएगा, ध्यान दो। ये कैसे बनेगा, कुछ ऐसे बनेगा क्या? यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे ऐसे, कुछ ऐसे आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? और ये माइनस चार्ज इस पे आ जाएगा और ये इस पे आ जाएगा। देखो ये, कोई प्रॉब्लम हो रही हो तो बताओ आप लोग। एरो कैसे बनाएंगे? एरो देखो, इस वाले पाई बॉन्ड को शिफ्ट करके इस ऑक्सीजन पे लेते आना, और इस वाले माइनस चार्ज को करके इस पाई बॉन्ड पे लेते आना, जहाँ पाई बॉन्ड हम बना रहे हैं। सर आपने फर्स्ट पर डबल लगाया? क्या सर आपने अपने फर्स्ट वाले पर डबल बॉन्ड क्यों नहीं लगाया? कहाँ फर्स्ट वाले पे कहाँ लगाया? सर जो ब्लू कलर जो बन रहा है ये वाला? यस सर। तो कहाँ, देखो ये माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज शिफ्ट होके ये पाई बॉन्ड बना लेगा, और ये पाई बॉन्ड जो है, ये पाई बॉन्ड वाला है, ये खुल के कहाँ आ जाएगा, इस पे आ जाएगा। नहीं समझा क्या आपने? ये सर आ गया समझ। और बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम? सर एक बार रिपीट कर दो। देखो आगे है, आगे है। इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ये बताओ आप लोग पहले। सर पांच। पांच है, याद रखना। देखो यहाँ पे ये वाला भी देख लेना आप लोग, ये वाला देखो, पांच रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिख रहे हैं क्या आप लोग को? यस सर। कोई प्रॉब्लम? ऐसे ही है देखो, इसमें भी क्या है, यहाँ पे माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज ये इस वाले पाई बॉन्ड पे आया और ये वाला पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया। देखो कुछ ऐसे हो रहा है, इधर शिफ्ट हो गया। और यहाँ पे क्या है, अब ये माइनस चार्ज है और माइनस चार्ज क्या हो रहा है, इस वाले पाई बॉन्ड पे शिफ्ट हो रहा है, और ये वाला पाई बॉन्ड क्या है, इधर शिफ्ट हो रहा है, यहाँ पे माइनस चार्ज आ गया। सर एरो में मिस्टेक हो जाते है बनाते वक्त। वही तो बोल रहा हूँ, इसलिए तो बोला हूँ कि आप लोग बना के कॉपी पे भेजो मुझे, इसलिए मैं बोला हूँ। अब ध्यान दो, ध्यान क्या देना है आपको इस बात पे, ये जो पोजीशन होता है ना, पोजीशन जो ये ग्रुप लगा होता है ना, उसके जस्ट पहले नंबर पे जो पोजीशन होता है इसको ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। कौन सा पोजीशन बोलते हैं? ऑर्थो। जो ये वाला पोजीशन होता है इसको कौन सा पोजीशन बोलते हैं? मेटा। मेटा पैरा। और इसको बोलते हैं पैरा। पैरा। देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप यहाँ पे जुड़ा हो ना, ऐसे माइनस चार्ज से रेजोनेंस से कोई इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप जुड़ा हो ना, तो आर्थो पे एक बार माइनस चार्ज आता है और एक बार पैरा पे आता है, मेटा पे नहीं आता है। कब आता है? आर्थो पे एक बार आता है और कोई पैरा पे। आप बताओ कोई पॉजिटिव वाला ग्रुप जुड़ना चाहेगा तो कहाँ जुड़ेगा, कहाँ जुड़ेगा आप बताओ? आर्थो और पैरा दोनों पे जुड़ेगा, ठीक है क्या? मैंने yes, भी सर आपको देख लेना। बिल्कुल बिल्कुल देख लूंगा। और मैंने भी। बिल्कुल, किसी को कोई इशू हो तो बता सकता है? नो सर। आगे देखते हैं। फर्स्ट वाले ऑक्सीजन में तो हमारे सिक्स लोन पेयर थे। हाँ, लोन पेयर का कोई मतलब नहीं है, चार्ज हो ना, जब बड़े लोग हो ना तो छोटे लोगों से ध्यान नहीं दिया करते, ठीक है क्या? ओके सर। अब देखो, अब इतने सारे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए, पांच। अब पूछेगा कि कई सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना देगा, पूछेगा सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, ऐसे स्टेबल पूछेगा। तो एक स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी लिख लो, स्टेबिलिटी का ऑर्डर कि कैसे स्टेबल हम देखेंगे। पहला रूल लिखो, पहला रूल ये मिनिमम चार्ज होना चाहिए, क्या है? मिनिमम चार्ज होना चाहिए। दूसरा रूल ये है मैक्सिमम पाई बॉन्ड होना चाहिए, मैक्सिमम पाई बॉन्ड होना चाहिए, या फिर मैक्सिमम क्या होना चाहिए, सिग्मा बॉन्ड होने चाहिए, या फिर कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। सिंपल सी बात है, कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए, कोवेलेंट बॉन्ड होने चाहिए। तीसरा देखो, तीसरा, ये सभी कोई अपने कॉपी पे रूल लिखो, अभी मैं रूल आप लोगों से पूछूंगा, सबसे पूछूंगा ये। तीसरा देखो, तीसरा क्या है, तीसरा ये है
कि चार्ज देखो जो माइनस चार्ज है ना, माइनस चार्ज शुड मोर ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, यहां पे छोड़ो, माइनस चार्ज शुड बी ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. अगर मानो कहीं माइनस चार्ज है तो कहां होना चाहिए, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके पास होना चाहिए, और जो प्लस चार्ज है किसके पास होना चाहिए, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम के पास होना चाहिए. कोई प्रॉब्लम इसमें किसी को? कोई प्रॉब्लम नहीं. आओ चौथा देखते हैं. चौथा रूल हमारे पास क्या है? चौथा रूल ये है कि अगर कहीं प्लस मिल जाए और माइनस मिल जाए तो दोनों की दूरी क्या होनी चाहिए, दूरी कम होनी चाहिए. आप बताओ, अलग अलग चार्ज है तो दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. अगर सेम चार्ज मिल गए तो, या फिर प्लस प्लस मिल गए या फिर माइनस माइनस मिल गए तो दूरी ज्यादा होनी चाहिए, रिपल्शन होगा. रिपल्शन के लिए क्या होनी चाहिए, दूरी ज्यादा होनी चाहिए. कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. आगे देखते हैं यार. आगे हमें क्या देखना है, हमें कुछ क्वेश्चंस करने हैं. क्वेश्चंस देखो, सिंपल सी बात है. ये बताओ आप लोग, ये पहले बताओ, सभी कोई रूल लिखो पहले, सभी कोई पहले कॉपी पे रूल लिखो पहले. मैं सबके सामने पूछूंगा क्वेश्चंस, सबसे पूछूंगा क्वेश्चंस ये. यस सर, लिख लो. सभी कोई लिखो, सभी कोई लिखो, मुझे रूल लिखो जल्दी से आप लोग. ये क्या लिखा है, प्लस माइनस फोर्थ रूल में क्या? देखो अगर कहीं प्लस और माइनस एक पास आ गया, यानी मानो कोई पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज है, तो जो उन दोनों के बीच की दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. ठीक है क्या? यानी कि अगर अलग अलग चार्ज है तो दूरी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए. अगर डिफरेंट चार्ज, अगर अलग अलग चार्ज है तो दूरी कम होनी चाहिए, और सेम चार्ज है तो ज्यादा होनी चाहिए, दूर होना चाहिए. तो सेम चार्ज है तो, सेम चार्ज है तो दूर होना चाहिए. जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट. सर हो गया, बस 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 एक मिनट. ठीक है, अब ध्यान दो क्या करना है. अब हमें, अब क्वेश्चंस पे सीधा आते हैं. क्वेश्चंस पे हमारे पास ये क्वेश्चंस है, पूछ रहा है हमें उसी नंबर वाइज सीरियल से चलना है, सीरीज से. विच ए साइक्लिक आयन स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? आप बताओ, दोनों में सेम चार्ज है क्या, एक चार्ज इसमें भी एक चार्ज इसमें भी है, तो चार्ज का तो कोई लफड़ा नहीं. अब दूसरे में क्या बोला है, मैक्सिमम पाई बॉन्ड होना चाहिए. आप बताओ किसमें मैक्सिमम पाई बॉन्ड है, आपको चार चार ऑप्शन दे दिया, ए बी सी डी. ये पूछ रहा है कि हमें लीस्ट स्टेबल बताओ, सबसे कम स्टेबल कौन है. तो हम क्या, हम ऑर्डर ही निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? आप बताओ, सबसे पहला चीज हमें क्या देखना है सर? सी वाला, लीस्ट मिनिमम चार्ज. मिनिमम चार्ज आप बताओ, एबीसीडी में सबसे कम चार्ज किसके पास है? सर ए में. ए सबसे आगे कौन रहेगा? ए. अब उसके बाद हमें क्या देखना है, मैक्सिमम पाई बॉन्ड. ए को तो हटा दो, अब हमें बी सी और डी में देखना है, दोनों में पाई बॉन्ड कितना, किसके पास ज्यादा है? सर बी वाले के पास. बी वाले के पास है. कहां यार, सबके पास पाई बॉन्ड सेम ही तो है, ऐसे मत बोल दो यार. सबके पास सेम पाई बॉन्ड है. तीसरा हमारे पास क्या बोल रहा है, माइनस चार्ज ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम. आप बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के पास माइनस चार्ज है क्या? यस सर, बी वाले के पास. देखो ऑक्सीजन, देखो दो माइनस चार्ज इसके पास भी है, दो माइनस चार्ज इसके पास भी है, और दो माइनस चार्ज इसके पास भी है. आप बताओ, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव के पास इसमें माइनस चार्ज है, तो उसके बाद बी वाला होगा. अब देखो, अब बचा सी और डी. सी और डी में कौन जीतेगा ये बताओ.
सी हार जाएगा यार, क्योंकि देखो यहाँ पे सेम चार्ज है, दोनों सेम चार्ज है, और दोनों सेम चार्ज हो तो क्या होना चाहिए, दूरी पे होना चाहिए, ना कि पास पास होना चाहिए। तो देखो तो यहाँ पे डी होगा, फिर क्या होगा, सी होगा। तो सबसे लीस्ट स्टेबल कौन है? सी। यार कोई प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। बताओ आप लोग, रूल के हिसाब से तो कर ले रहे हो ना आप लोग? यस सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी सैली, बिल्कुल, द डिस्टेंस वुड बी लेस फॉर सेम चार्ज, कोई प्रॉब्लम। आगे देखो, आगे ये कर लोगे क्या? ये पूछ रहा है, इसमें भी लीस्ट स्टेबल पूछ रहा है, लीस्ट स्टेबल। तो आप क्या करोगे? पाई बॉन्ड काउंट, सब मिनिमम चार्ज काउंट करोगे, पता चला कि सब में चार चार्ज है, सेम चार्ज है। उसके बाद आपको क्या देखना है? मैक्सिमम पाई बॉन्ड, दोनों में ही दो दो पाई बॉन्ड है। उसके बाद क्या देखना है? माइनस चार्ज देखना है। उसके बाद क्या देखना है? मिनिमम डिस्टेंस देखना है। आप बताओ सबसे लीस्ट स्टेबल कौन होगा? ये दिख रहा है क्या? पॉजिटिव चार्ज ही है, पॉजिटिव चार्ज ही होगा। इतने पास पास पॉजिटिव चार्ज रह पाएंगे क्या? नो सर, रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो लीस्ट स्टेबल होंगे। प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। ये पूछ रहा है सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस सी एच टू, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच माइनस। सिंपल सी बात है, जब सब चीज सेम आ जाए, बराबर आ जाए, तब आप लोग को रेजोनेंस देखना है। जिसके पास रेजोनेंस होगा वह विन हो जाएगा। आप बताओ दोनों में से किसके पास रेजोनेंस है? सर ए वाले के पास, ए और इसको बी। दिख रहा है क्या? ये ए वाला डी लोकलाइज कर लेगा। तो जिसके पास जब सब चीज सेम होता है, पाई बॉन्ड भी सेम होता है, माइनस चार्ज भी सेम होता है, जब हर एक चीज सेम होता है तो क्या देखते हैं? रेजोनेंस देखते हैं। जिसके पास रेजोनेंस है वही जीतेगा। ए वाले के पास है सर, ए वाला जीतेगा। ये पूछ रहा है लीस्ट स्टेबल कौन है, सबसे कम स्टेबल कौन है? सिंपल सी बात है, आप बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? मिनिमम चार्ज, उसके बाद मैक्सिमम पाई बॉन्ड, सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सर थर्ड वाला, थ्री वाला। हाँ देखो, उसके बाद बचा हमारे पास बी और वन। अब पहले और दूसरे में कौन है? जो इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर दे वही ज्यादा स्टेबल होगा। तो आप बताओ दोनों में से कौन स्टेबल कर सकता है, पहला या फिर दूसरा? पहला वाला, क्योंकि पहले वाले के पास क्या है? लोन पेयर। ये लोन पेयर अपना दे देगा, इसमें स्टेबल हो जाएगा। बोलो लोन पेयर का क्या मतलब है? लोन पेयर का मतलब माइनस चार्ज होता है और प्लस चार्ज, यानी कि माइनस के पास ही प्लस है, तो जाहिर सी बात से स्टेबल होगा कि नहीं होगा। क्या सर इसमें ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है? यार ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होता नहीं है, आप बताओ। ऑक्सीजन के ऊपर होता है, तो लोन पेयर का क्या मतलब? इलेक्ट्रॉन होता है, और जस्ट इलेक्ट्रॉन के बगल में क्या है? पॉजिटिव चार्ज। ये वाला स्टेबल होगा या फिर ये वाला होगा? ए होगा या फिर बी होगा? सर सेकंड वाला स्टेबल होगा। कोई प्रॉब्लम क्या किसी को? नो सर। समझ आ रहा है? यस सर, आ रहा है। बिल्कुल यार, अब आप लोग जो पूछना है पूछो मेरे से, जो पूछना है पूछो आप लोग मेरे से। क्लियर है यार आज का सीन, सब चीज क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो गया तो बताओ, किसी को कोई डाउट रह गया हो तो बताओ, कुछ भी डाउट रह गया हो तो। हाँ जी सैली बताओ यार, डाउट बताओ अब आप लोग, डाउट बताओ। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक क्वेश्चन है। हाँ जी, आप क्वेश्चन पूछ सकते हो, आप चार पांच मिनट तक क्वेश्चन पूछ सकते हो। आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हो अभी। सर वैसे सबसे जो स्टेबल वो होता है वो हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है ना? हाँ देखो यार, सबसे स्टेबल स्ट्रक्चर नहीं होता। जैसे मानो हमारे पास, जैसे मानो मुझे आपके बारे में सरिता पता करना है, तो मैं आपके स्कूल में पता करूंगा आपके बारे में, आपके पेरेंट्स से पता करूंगा, और आपके दोस्त से पता करूंगा। तीनों लोग अलग अलग जानकारियां देंगे, और मैं तीनों जानकारियां को इकट्ठा करके फिर एक नया निकालूंगा कि हाँ सरिता ऐसी है, हर एक चीज ऐसे बता दूंगा। तो वही होता है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर में हर एक बारे में इंफॉर्मेशन होता है। ओके सर। कौन सा सैली, कौन सा O3 का रेजोनेंस स्ट्रक्चर गलत बन गया बताओ? सर आपके पास मैंने सेंड कर दिया फोटो, एक मिनट में देख लिया।
आपने जो मुझे जो यहाँ पे बताई थी ना, एक मिनट मुझे जस्ट टैग करो, अभी जस्ट मैसेज करो कहाँ पे सेंड किया यार आपने, मेरे पास तो नहीं आया। आपने क्वेश्चन ही गलत भेजा है, ये सिंपल सा O3 होता है यार, O3 होता है, और O3 का फोटो कुछ ऐसे होता है, ध्यान देना आप लोग, O डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा ये जुड़ा होता है, या फिर इसको कोऑर्डिनेट बॉन्ड द्वारा जोड़ो या फिर इसको जोड़ो, ऐसे कर लो होता है, या फिर अगर इसको चार्ज में जोड़ना चाहते तो ऐसे चार्ज में जोड़ सकते हो, O डबल बॉन्ड यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, या फिर वही ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा और वही नेगेटिव यहाँ पे आ जाता है, यही होता है इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और कोई नहीं होता है। सर एक बार एरो बनाने का इजी तरीका बता दो कोई। देखो सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है, मानो हमारे पास डबल बॉन्ड है, वाई है, सिंगल बॉन्ड है, अगर इस बॉन्ड को मुझे यहाँ पे ट्रांसफर करना है तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, यहाँ पे कर दूंगा, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे वाई है, कुछ ऐसे है, अगर इस डबल बॉन्ड को यानी कि जो ये लोन पेयर वाला है मुझे वाई के ऊपर भेजना तो क्या करूंगा, लाके वाई के ऊपर कर दूंगा बेंजीन में, बता दूं बेंजीन में, ठीक है, यहाँ पे मानो ओ है, अब देखो ये ओ वाले के पास क्या है, माइनस चार्ज है, ये माइनस चार्ज क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनाएगा तो मैं क्या कर दूंगा, दोनों बॉन्ड के बीच में कर दूंगा, जब दोनों बॉन्ड के बीच में करूंगा तो यहां से दोनों बॉन्ड के बीच में से इलेक्ट्रॉन लेके क्या करूंगा, इस वाले कार्बन पे कर दूंगा, तो कुछ ऐसे बन जाएगा, ध्यान देना आप लोग, ये तो सब ऐसे है ही, यहाँ पे माइनस चार्ज आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पे ओ बन जाएगा, दिख रहा है क्या, और फिर ये माइनस चार्ज क्या करूंगा, इस वाले बॉन्ड के बीच में ला दूंगा, और ये डबल बॉन्ड क्या करूंगा, इस वाले पे ला दूंगा, तो कुछ ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए देखो मैंने आप लोग से क्यों बनवाया, इसीलिए बनवाया था क्या कि ये पूछा जाता है, अच्छा खासा पूछा जाता है ये, इसलिए मैंने ये आप लोग से बनवाया। और भी किसी को कोई इशू?